आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस NiH2O का होल 6-2 पॉजिटिव, NiNH3 का होल 6-2 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कटायंस का मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है बोर मैग्नेटॉन्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है NiH2O का होल 6-2 पॉजिटिव, ठीक है। H2O हमारा वीक फील्ड लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, कोई चार्ज नहीं कैरी करता है, यानी पूरा चार्ज किस पे जाएगा, निकल पे। यानी निकल इसमें किस स्टेट पे है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। निकल होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है 28, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Ar4s2 3d8 से रिप्रेजेंट करते हैं। और Ni+2 क्या हो जाएगा, अगर इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो बन जाएगी 4s0 3d8। तो इधर क्या है, निकल 4s निकल 2+8 में है, तो क्या हो जाएगा, 3d8 बन जाएगा इधर। 3d8 4s0 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा रहेगा d8s0, ठीक है। अब क्योंकि H2O लगा हुआ था, H2O एक क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई, 2। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इधर होता है वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है μ√NN+2। एन होता है नंबर वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू क्या रख दें, हम एन की वैल्यू रख दें 2, यानी 2 2+2 यानी 4 2 8, जो कि आ जाएगा √8, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.84 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या है, यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो जो हमारा NiH2O का होल 6-2 पॉजिटिव था, उसका जो बोर, उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो है 2.84 बोर मैग्नेटॉन। अब हम लोग बात करने वाले हैं NiNH3 का होल 6-2 पॉजिटिव की। NiNH3 का होल 6-2 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी क्या, अमोनिया हमारा जीरो चार्ज कैरी करता है, यानी पूरा चार्ज किस पे जाएगा, निकल पर। तो निकल इधर किस पे होगा, 2+ में। 2+ का केस है, हमने पहले चर्चा कर चुके थे, 2+ के केस में क्या होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से होता है Ni2+ के केस में d8s0। अब क्योंकि जो हमारा NH3 लगा था वो हमारा लगा हुआ था निकल 2+ के साथ, अब निकल 2+ के साथ लगे होने पर NH3 जो हमारा वो कुछ खास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं रह जाता है, वो किसकी तरह काम करता है, वो भी एज अ वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वो भी एज अ वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम करता है। अब अगर एज अ वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम कर रहा है तो इसमें भी क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो इस केस में भी क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है और फॉर्मूला भी दोनों में एक ही लगना है, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 आएगा सेम फॉर्मूले से, N is equal to 2 था, तो इसका भी क्या आया, 2.84 बोर मैग्नेटॉन। यानी दोनों के केस में ही क्या हुआ, बोर जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो सेम आया है, वो है 2.84 बोर मैग्नेटॉन। तो फाइनल आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए आएगा डी पार्ट 2.84, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।